नमस्कार दोस्तों, दोस्तों राजस्थान रॉयल के लिए आई तीन बड़ी अपडेट, जिसमें पहली बड़ी अपडेट दोस्तों राजस्थान रॉयल के इस बल्लेबाज ने आईपीएल से पहले मचाया हाहाकार और तूफानी दौरा शतक ठोक खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा। और वहीं दूसरी बड़ी अपडेट दोस्तों राजस्थान रॉयल के ओबेद मैकोई को लेकर है कि ओबेद मैकोई आईपीएल में उपलब्ध रहने वाले हैं या नहीं। और वहीं तीसरी बड़ी अपडेट दोस्तों आईपीएल जो जियो सिनेमा पर आप फ्री में देखने वाले थे उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट है बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी राजस्थान टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल शुरू होने में केवल कुछ ही दिनों का समय रह गया है, ऐसे में राजस्थान रॉयल के कुछ खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं। ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के बीच खेले जा रहे मुकाबले में एक बल्लेबाज ने शानदार दोहरा शतक लगाया, जबकि उसके जोड़ीदार ने भी शतकीय पारी खेली। इस बल्लेबाज ने दोहरा शतक लगाकर एक बार फिर सिलेक्टर्स को अपनी तरह प्रभावित किया है। दोस्तों रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने शानदार दोहरा शतक लगाया और जायसवाल ने 259 गेंदों में 213 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान जायसवाल ने 30 शानदार चौके और 3 जबरदस्त छक्के लगाए। जायसवाल की इस पारी के दम पर रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाने की तरफ बढ़ रही है और जायसवाल को 213 रनों के स्कोर पर आवेश खान ने आउट किया था। खास बात यह रही कि घरेलू क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल लगातार रन बना रहे हैं और जायसवाल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी सर रह चुके हैं। वह अपनी बल्लेबाजी से अपने सभी प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों पर भी भारी नजर आ रहे हैं, ऐसे में जायसवाल जरूरत पड़ने पर नंबर 3 या नंबर 4 पर भारतीय टीम में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। आईपीएल में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल के खेलने वाले यशस्वी जायसवाल इस बार भी आईपीएल में अपना जलवा दिखाने को तैयार है। और दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट राजस्थान रॉयल के ओबेद मैकोई को लेकर है। दोस्तों ओबेद मैकोई इंजरी से पूरी तरह उभर चुके हैं और ऐसे में वे राजस्थान रॉयल के लिए पूरी तरह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और वहीं तीसरी बड़ी अपडेट दोस्तों जो आईपीएल के सभी मैच आपको दिखाए जा रहे थे कि जियो सिनेमा पर आप फ्री देख पाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोस्तों जियो सिनेमा पर आपको मैच देखने के लिए कम से कम अधिक डाटा की जरूरत पड़ने वाली है। यदि आपको मैच का लाइव प्रसारण HD क्वालिटी में देखना है 1080p में तो आपको कम से कम 25 GB डाटा की जरूरत होगी। वहीं अगर आपको 720 में देखना है तो आपको कम से कम 12 GB डाटा की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों ऐसे में जियो सिनेमा पर आपको मैच देखने के लिए कम से कम अधिक डाटा की जरूरत पड़ने वाली है, जो जियो सिनेमा की तरफ से बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही राजस्थान रॉयल से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।